एवरीवन, मेरा नाम रश्मित सिंह, मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, मतलब बहुत सारे लोगों के, कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सर स्क्रिप्टिंग करवाइए। तो मैंने मनी के लिए करवाया था, मैरिज के लिए करवाया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए स्क्रिप्टिंग कैसे लिखनी है आपको। मैंने फील करके, मेरे को कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, फिर भी मैंने फील करके लिखा है और वो सेम मैं आपको स्क्रिप्टिंग देने वाला हूँ लिख के। ठीक है, आप उसको कॉपी करके अपने यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग के लिए, जिससे कि आप बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट जॉब को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्शन लेना है, यानी कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको वो करते रहना है। हाथ में हाथ धर के बैठे रहोगे कि सर ने बता दिया मैनिफेस्ट हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब, तो ऐसे नहीं होगा। बिना एक्शन के कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है, तो आपको एक्शन लेना है, पढ़ाई करनी है और उसको अपने दिमाग में रखना है कि मैंने मैनिफेस्ट किया तो मेरा ये मैनिफेस्टेशन 100% पूरा होगा। बस मेरे को पढ़ाई अपने 100% मेरा हार्डवर्क देना है, पूरा एफर्ट लगाना है और वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो स्क्रिप्टिंग से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और मैंने एक एफर्मेशन ई बुक लिखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी एफर्मेशन ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एक ही ई बुक है, अलग अलग ई बुक नहीं है, एक ही ई बुक है और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसमें लिखा हुआ है। आप आसानी से, सिंपल भाषा में है, आप बड़ी आसानी से उसको पढ़ के एफर्मेशन लिखना सीख सकते हैं और केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशन लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए मैनिफेस्टेशन में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करें या फिर नीचे में कैलेंडर का लिंक है, वहाँ से आप कॉल बुक कर सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए मेरी मदद ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जेल पेन लेना है और एक ब्लू पेन लेना है। ये डॉट पेन है, ये जेल पेन है, ऐसा रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन मैं जैसा करता हूँ वैसा बता रहा हूँ। आप किसी भी पेन से हेडलाइन ले सकते हैं। तो मैं हेडलाइन पहले लिखूँगा, स्क्रिप्टिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं बना रहा हूँ स्क्रिप्टिंग। आप इसको नॉर्मल प्राइवेट जॉब के लिए भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना रहता है, हमको ग्रेटिट्यूड फील करना रहता है, जो चीज़ पहले से हमारे पास है। पहले आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई करेंट जॉब। ठीक है, करेंट जॉब के लिए हम थैंक यू लिख रहे हैं सबसे पहले। इसके बाद हम लिखेंगे मैंने लिखा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, टुडे फाइनली आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम गवर्नमेंट जॉब इन डैश। जहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए वहाँ के लिए आप लिखेंगे, इन रेलवेज, इन SBI, इन जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर आप लिख सकते हैं। हिंदी में मैं आपको बता दूँ तो मैंने क्या लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी करंट जॉब के लिए, मेरी अभी जो नौकरी है उसके लिए धन्यवाद ब्रह्मांड। पहले हमने धन्यवाद फील किया, आभार महसूस करा जो हमारी करंट जॉब है उसके लिए। उसके बाद फिर हमने लिखा, धन्यवाद ब्रह्मांड, फाइनली आज मैंने अपनी ड्रीम गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर लिया है। आपने कहाँ पर मैनिफेस्ट किया है, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, आप ये लिखेंगे। इसके बाद मैंने लिखा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यू आर सो काइंड, सपोर्टिव एंड हेल्पफुल। हिंदी में बताऊँ, धन्यवाद ब्रह्मांड, आप बहुत ही दयालु, सपोर्ट करने वाले और हेल्प करने वाले, यानी कि मदद करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूँगा, मेरी आदत है कि मैं हर दूसरी तीसरी लाइन में ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आप इसको बदल सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा है, दिस वुड नेवर हैड बीन पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। ठीक है, तो मैं इसको फील कर चुका हूँ कि ये मेरी जो मैनिफेस्टेशन है, गवर्नमेंट जॉब है, मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो मैंने ये लिखा है कि ये आपकी मदद के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था, आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था, संभव नहीं हो सकता था। ये हिंदी में मैंने बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। इसके आगे मैं लिखता हूँ, इसके आगे मैंने लिखा है, आई फील सो रिलैक्स्ड, एक्साइटेड, हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ। ठीक है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स, एक्साइटेड, हैप्पी, खुश और आभारी हूँ इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में जो मेरी ज़िंदगी में आई है। ठीक है, तो जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आप ये फील करें कि आपकी लग चुकी है, तो आप कितना ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे कि आप बहुत समय से सोच रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, हो नहीं रही थी, और अभी आप फाइनली मैनिफेस्ट हो चुकी है, तो आप कितना खुश होंगे, कितना एक्साइटेड होंगे, कितना आप हैप्पी होंगे, ग्रेटफुल होंगे, रिलैक्स होंगे।
तो ये सारी फीलिंग्स आपको लिखनी है। आप इसके अलावा कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। इसके आगे मैंने लिखा है, एवरी वन इन माई फैमिली इंक्लूडिंग माई फ्रेंड्स कांट बिलीव दैट फाइनली आई हैव क्रैक्ड दिस गवर्नमेंट एग्जाम इन 2024। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप फैमिली के साथ फ्रेंड्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा ग्रुप है जो बिलीव नहीं कर रहा था आपके ऊपर और आप अभी तक खुशी फील कर रहे हैं। तो आपको खुशी इतना ज़्यादा फील करना है ना कि आप मतलब इतना ज़्यादा आपको खुशी फील होनी चाहिए, तब आपको और ज़्यादा फीलिंग आएगी कि एक्चुअल में हो चुका है, ठीक है। तो आप जब कोई चीज़ अच्छी होती है हमारे साथ तो हम बहुत ज़्यादा, पहले तो हम 2-3 लाइन तक यही बोलते रहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ। तो आपको वही फील करना है, मैंने यही फील करके ये लिखा है। हिंदी में क्या बोलेंगे, मेरे परिवार के सारे लोग इंक्लूडिंग माई फ्रेंड्स, यानी कि मेरे फ्रेंड्स भी इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि फाइनली मैंने इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम को 2024 में क्रैक कर लिया है। तो आपको यहाँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम का नाम लिखना है जो भी है, और 2024 की जगह आप किसी और ईयर का नाम लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, जिस ईयर में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस ईयर में आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं वो साल आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसके आगे मैंने लिखा है, ऑल माई हार्ड वर्क रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन हैज़ फाइनली पेड ऑफ, यानी कि मेरा सारा जो मेहनत है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो मैंने मेहनत की थी पहले, मेरा डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये सारी, इसको मेरे को हिंदी में नहीं आता क्या बोलते हैं इसको, एंड डिटर्मिनेशन जो है मेरी, फाइनली मेरे को मेहनत का रंग मेरे को मिल चुका है, मेरी मेहनत का फल मेरे को मिल चुका है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके आगे मैं लिखता हूँ, तो इसके आगे मैंने लिखा है, आई वॉन्ट टू थैंक माई लवली पेरेंट्स फॉर हैविंग सो सपोर्टिव हेल्पफुल एंड इंस्पायरिंग इन माई जर्नी टू क्रैक दिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम। यानी कि मैं अपने पेरेंट्स को सबसे पहले थैंक करना चाहता हूँ इतना मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मुझे इंस्पायर करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए मेरी इस जर्नी में कि मैं इस गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम को क्रैक कर सकूँ, ठीक है। तो आप यहाँ गवर्नमेंट जॉब का नाम लिखेंगे, कौन सी गवर्नमेंट जॉब को आप क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब भी लिख सकते हैं अगर आप प्राइवेट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इसके आगे मैं लिखता हूँ, इसके आगे मैंने लिखा है, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई टीचर्स कोचेस एंड फैकल्टीज फॉर गिविंग मी दी बेस्ट नॉलेज टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेन दी हाइएस्ट मार्क्स इन माई गवर्नमेंट एग्ज़ाम। यानी कि मैं अपने सारे टीचर्स कोचेस और फैकल्टीज़ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ मुझे बेस्ट नॉलेज देने के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए, ताकि मैं अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हाइएस्ट मार्क्स हासिल कर पाऊँ, ठीक है, हासिल कर पाया, ठीक है। तो आपको ऐसा लिखना है, जो आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे जिस चीज़ के लिए वो चीज़ बढ़ती चली जाती है, यानी आपको और वैसी चीज़ें मिलती हैं जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। तो अगर आप अपने कोचेस टीचर्स फैकल्टीज़ के लिए अभी से ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो बाद में आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी और आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है वो जल्दी क्रैक हो जाएगा। तो इसके आगे मैंने लिखा है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक माई डियर यूनिवर्स होल हार्टेडली फॉर दी एवर लास्टिंग सपोर्ट केयर एंड लव। यानी कि मैं अपने प्रिय ब्रह्मांड को भी दिल की गहराई से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एवर लास्टिंग यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला सपोर्ट दिया, केयर दिया और लव किया, मेरा ख्याल रखा और मुझे प्यार दिया और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में मेरी मदद की। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके आगे मैंने लिखा है, ऑल माई कलीग्स आर वेरी गुड इन नेचर, ठीक है, मेरे सारे जो कलीग्स हैं मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथी, वो बहुत ही अच्छे नेचर के लोग हैं। तो इसके आगे मैंने लिखा है, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव अमेजिंग एंड वेलकमिंग। यानी कि वो सारे लोग मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे साथी हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो सारे लोग बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं, बेहतरीन हैं और स्वागत करने वाले लोग हैं, वेलकमिंग लोग हैं, ठीक है। इसके आगे मैंने लिखा है, माई बॉस इज ऑल्सो वेरी काइंड एंड ही इज सुपर एक्साइटेड टू हैव मी इन हिज टीम who works his level best to complete all the given projects on time। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम जॉब तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जो भी है, इसके साथ साथ हम ऐसे टीम मेंबर, ऐसे कलीग, ऐसे साथियों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ऐसे बॉस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, हैप्पी है, वेलकमिंग है, सपोर्टिव है और हमको पसंद करता है। तो मैंने क्या लिखा है, मेरा बॉस बहुत ज़्यादा काइंड है, दयालु है और वो भी सुपर एक्साइटेड है मुझे अपनी टीम में लाने के लिए, और मैं जो हूँ हु वर्क्स हिज लेवल बेस्ट, यानी कि मैं जो हूँ अपना बेस्ट लेवल देता हूँ उन सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, टाइम पर, सारे प्रोजेक्ट को टाइम पर
समय पर कंप्लीट करने का बेस्ट लेवल देता हूँ, यानी कि बेस्ट काम करता हूँ। तो आप खुद को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप लेवल बेस्ट काम करें, बॉस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने कलीग को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप यहाँ ओवरऑल पूरा अपना जो जॉब प्रोफाइल है सारा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक साथ। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई छूट गया है तो हम उसको भी थैंक यू बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन हु सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी, यानी कि मैं उन सभी लोगों को, उन सभी एक एक आदमी को, व्यक्ति को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्रैक करने में सपोर्ट किया। अगर कोई और आदमी छूट गया तो हम उसको भी थैंक यू बोल रहे हैं। कैसे? आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन हु सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी ऑफ क्रैकिंग दिस सुपर इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब, यानी कि हम हर उस इंसान को भी थैंक यू बोल रहे हैं जिन्होंने हमें इस गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने में सपोर्ट किया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने इस सुपर इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने में मेरी मदद की, मैं उस हर एक इंसान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर जॉब नहीं आएगा, यहाँ पर एग्ज़ाम आएगा, इसके आगे हम लिखेंगे। इसके बाद मैंने लिखा है, आई एम सो मच ग्रेटफुल दैट आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड इन मियर वर्ड्स, यानी कि मैं इतना ज़्यादा ग्रेटफुल आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं थोड़े से शब्दों में अपनी खुशी और आभार को व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने लिखा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर मेकिंग माई ड्रीम्स कम ट्रू एंड हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग मी टू क्रैक दिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अब मैं और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ ताकि ये जो मैनिफेस्टेशन है जल्दी से पूरी हो। तो मैंने लिखा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, मुझे मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने में मुझे मदद करने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में हिंदी में लिख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिखा है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे। और इसके बाद मैंने लिखा है, आई लव यू सो मच यूनिवर्स फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व माई सोसाइटी एंड माई कंट्री टू माई लेवल बेस्ट, आई लव यू माई डियर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे ब्रह्मांड, मेरे दिल की गहराई से आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आशा करता हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी को और अपने देश को अच्छे से सर्व करूँ, अच्छे से उनकी सेवा करूँ, अपने लेवल बेस्ट तरीके से। ठीक है, और मैं अपने गवर्नमेंट जॉब से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके आगे आप अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति और जिन भी लोगों ने आपका सपोर्ट किया है, आप उनके प्रति भी प्यार महसूस कर सकते हैं। प्यार महसूस करेंगे तो वो प्यार यूनिवर्स तक पहुँचेगा, आपके लोगों तक पहुँचेगा और उनका प्यार आपके तरफ वापस आएगा, यानी कि और बढ़ेगा। ठीक है, तो जो सपोर्ट आपको मिल रहा है वो सपोर्ट और बढ़ता जाएगा और जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो और ज़्यादा जल्दी पूरी होगी। यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्यार महसूस किया है। तो आप गवर्नमेंट जॉब, अगर अभी तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, प्राइवेट जॉब नहीं लगी है, जॉब नहीं लगी है, आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, डेस्परेट फील करेंगे, चिंता करेंगे, परेशान होंगे, नेगेटिव बोलेंगे अपनी जॉब के बारे में, जो चीज़ आपको नहीं मिली है तो वो चीज़ आपको और देरी से मिलेगी। लेकिन अगर आप उसके प्रति प्यार महसूस करेंगे तो वो भी आपके प्रति प्यार महसूस करेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ एनर्जी से बनी है और जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से प्यार करती है तब दोनों आकर्षित होती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, तो आपको प्यार करना है अपनी गवर्नमेंट जॉब से, अपने लोगों से, ताकि आपका प्यार और बढ़े और सामने वाले का भी प्यार आपके प्रति बढ़े और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में जल्दी मैनिफेस्ट हो। तो इस तरीके से आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए स्क्रिप्टिंग लिखना है और इसी तरीके से आप किसी और इच्छा के लिए स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, और अपनी किसी भी इच्छा को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब ने देख लिया, लाइन बाय लाइन मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करना है। इसी स्क्रिप्टिंग टेक्निक की मदद से आप अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, फील करना है आपको, बिलीव करना है कि वो चीज़ हो रही है और एक्ट एज इफ, यानी कि वो चीज़ एक्चुअल में हो चुकी है, वैसा आप फील करोगे तो आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए स्क्रिप्टिंग मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। अब इस स्क्रिप्टिंग को आपको क्या करना है, रोज़ आपको लिखना है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रात में सोने से पहले। अगर आप रोज़ लिखना नहीं चाहते तो आप उसको बस पढ़ सकते हैं और फील कर सकते हैं कि वो चीज़ एक्चुअल में हो रही है। और अगर आप इसके अलावा कुछ और लिखना चाहते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ के आप समझ गए कि कैसे करना है, आप खुद के वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। आप रोज़ अलग अलग स्क्रिप्टिंग करेंगे तो भी चलेगा, कोई भी रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है, आपको अपने अनुसार जो भी आप फील करते हैं वैसा आपको करना है। मैंने एक बार लिख के दिखा दिया है, आप उसको लिख लें,
अच्छे से फील करके उसमें कुछ और अपने इमोशन फीलिंग ऐड कर दें ताकि वो आपकी स्क्रिप्टिंग हो जाए। अभी ये मेरी स्क्रिप्टिंग है, आपकी नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे आपको लगेगा कि मैं इसमें ये भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे ऐड करना है, और आप ऐड करके उसको और अच्छा बना लें, और लंबा बना लें या फिर छोटा कर लें, जो भी आपकी इच्छा आप करें, उसको रोज़ पढ़ें रात में सोने से पहले। और आपको कब तक पढ़ना है, आप इसको 30 दिन तक करें, और अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है करने का, तो आप 60 दिन तक भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूं कि जब तक आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो जाती तब तक आप इस स्क्रिप्टिंग को रोज पढ़ें, और अगर आपको लगे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बोरिंग लग रहा है या फिर जो भी है, तो आप लेट गो कर दें अपने विश को, यूनिवर्स को बोल दें कि मैंने अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन कर लिया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मेरे को 6 महीने में जॉब दो या फिर 1 साल में दो या फिर 1 महीने में दो, वो आपकी मर्जी है, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट लगा लिया है, अब मैं केवल एक्शन लेता जाऊंगा, मेहनत करता जाऊंगा, जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, मेरी जॉब जब भी लगे तब भी मैं खुश रहूंगा। ऐसा लेट गो करके आप खुश हो जाइए कि आपकी जॉब एक्चुअल में लग चुकी है। हर दिन उसको फील करें कि आपने स्क्रिप्टिंग किया है और अपनी मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स तक पहुंचाया है। किसी भी कलर के पेन से आप लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं है। अपनी मैनिफेस्टेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए आप एफर्मेशन भी प्रैक्टिस करना शुरू करें, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले एफर्मेशन प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा और आपका बिलीफ सिस्टम भी मजबूत होगा कि ये इच्छा पूरी हो सकती है। एफर्मेशन लिखने के लिए आप मेरी ईबुक की हेल्प ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरी ईबुक खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।